हर कोई आपको बोलेगा कि आप एक प्रिजनर की तरह मत बनो, एक क्रिमिनल की तरह मत बनो। हर कोई आपको बोलेगा कि एक क्रिमिनल से हमेशा दूर रहना चाहिए। हम लोग एक क्रिमिनल से कभी कुछ सीख नहीं सकते, बस हम लोग को हार्म होगा, हम लोग किसी बिगड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा चीज़ सिखाऊंगा जो मैंने एक क्रिमिनल से सीखा है। जी हाँ, और वो चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये चीज़ सारे बताऊँगा। एवं क्या होता है, एक क्रिमिनल रहता है, वो जेल से फरार हो जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर आतंक फैला देता है, पूरा लोगों को मारना काटना, मतलब बेरहमी से लोगों का मर्डर करने लगता है। जो इंडियन पुलिस टीम है उसको आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको पकड़ लेती है, कुछ दिनों के बाद उसको पकड़ लेती है। जब उसको पकड़ा जाता है, पूरा हाई सिक्योरिटी के साथ उसको हाई कोर्ट पर पेश किया जाता है। तो उसने इतना ज़्यादा क्राइम्स किए रहते हैं कि उसको और कोई सज़ा जज सुना ही नहीं सकते थे। जज ने उनको सुनाया कि आपको हैंग टिल डेथ मींस कैपिटल पनिशमेंट। जब उसको उस प्रिजनर को पता चला, उस क्रिमिनल को पता चला कि मेरे को फांसी होने वाली है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो सोचने लगा कि अरे यार, लाइफ में तो कभी मैंने कुछ सही काम किया नहीं, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। उस वक्त में दो साइंटिस्ट वहीं पर रहते हैं, वो सोचते हैं ये जो प्रिजनर है इसको तो ये लोग मार के बस ख़त्म कर देंगे, बस ख़त्म ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस क्रिमिनल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया लेकर अपने जज साहब के पास जाते हैं। वो जज साहब को कन्विंस करते हैं, जितना भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहता है, जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है, सबको कंप्लीट करके उस प्रोसेस को अब वो जाते हैं प्रिजनर के पास, उस क्रिमिनल के पास, और उसको जाके कन्विंस करने लगते हैं। जब उस प्रिजनर को कन्विंस कर लेते हैं, वो प्रिजनर पता है क्यों कन्विंस होता है, क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ में कभी मैंने कुछ सही काम नहीं किया। ज़िंदगी में हमेशा हर किसी को दुखी पहुंचाया, कभी किसी के भले के बारे में मैंने नहीं सोचा। जाते जाते ही क्यों ना मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करते जाऊं। इसी के लिए उस साइंटिस्ट लोगों को, जो लोग दो साइंटिस्ट गए थे उसको कन्विंस करने के लिए, उसने हाँ बोल दिया। उसका एक टाइम आता है जब उसका फांसी का दिन रहता है। उस दिन वो दो साइंटिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, और जो दो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि उस क्रिमिनल से कि मैं आपकी आंखों में एक काला कलर की कपड़ा बांध दूंगा, जिससे आपको बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मेरे पास इस बैग में बहुत ख़तरनाक सांप है, बहुत जहरीला सांप है। इस सांप का जहर जिसको भी आज तक गया है उसका बॉडी में, वो इंसान कभी ज़िंदा नहीं बचा है। ऐसा बोलते हैं उस क्रिमिनल को। वो क्रिमिनल बोलता है ठीक है, और वो बोलते हैं कि ये जो सांप है ना, इस सांप को लेकर मैं आपके पैर पे कटवाऊंगा। वो जो साइंटिस्ट रहते हैं वो बोलते हैं। अब जो क्रिमिनल रहता है उसका सांसें थोड़ा फूलने लगती है, उसको थोड़ा सा डर लगता है। वो सोचता है कैसे भी मरने वाला हूँ, अब फांसी में लटक के मरूँ या सांप से काट के मरूँ, मरना तो वैसे भी है। वो बोलता है ठीक है। वो जब साइंटिस्ट उसके आँखों में पट्टी बांध देते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट से दो ठो सेफ्टी पिन निकालते हैं, उसका पैर पे जाके पिन कर देते हैं। होता क्या है, जो क्रिमिनल है ऑन द स्पॉट डेड कर जाता है। जब इसके बारे में रिसर्च हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये जो प्रिजनर था, ये जो क्रिमिनल था, इतना खतरनाक, ये क्यों मर गया, तो बाद में पता चला कि इसको इतना स्ट्रांग बिलीव सिस्टम था, इतना स्ट्रांग माइंड सेट था कि उसने ये सोच लिया था कि अगर किसी भी चीज़ ने मेरे को टच किया तो मैं मर जाऊँगा। और उसका बॉडी में भी सेम केमिकल रिएक्शन हुआ जैसे एक सांप के काटने से होता है, एक जहरीले सांप के काटने से होता है, बस सेफ्टी पिन करने के कारण से। तो आप बस इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास भी इस टाइप का एक माइंडसेट हो, इतना स्ट्रांग माइंडसेट हो कि अगर एक इंसान बस सोचने भर से ही वो मर सकता है, अगर आप उसी माइंडसेट के साथ आप ये सोचो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जस्ट इमेजिन गाइज, ओनली द स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। Only the sky will be the limit for you. You can do anything. You can change the world. You can revolutionize the world. You can empower many other peoples in this planet. You can just imagine. अगर आपके पास एक right mindset, एक right direction के साथ एक इंसान चले, वो अपनी life में कुछ भी achieve कर सकता है, इतने strong mindset के साथ, इतने strong belief system के साथ। ये जो criminal था, मानता हूँ wrong direction था, लेकिन इसका जो belief system था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। सो दैट इसको बस पिन, जो सेफ्टी पिन है, तो उसे बस पिन से
बस टच करते ही वो मर गया, क्योंकि उसके लगा कि ये सांप ने मेरे को काट लिया एंड आई एम डेड। सो चेंज योर माइंड सेट, ओके, वर्क अपन योर सेल्फ, इन्वेस्ट अपन योर सेल्फ। जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने माइंड सेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही होता है जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करता है। और एक एंटरप्रेन्योर कभी नहीं घबराता पैसा निकाल के खर्च करने में, मतलब खर्च भी अपने ऊपर करने में, नॉट बिलो द नेक, अबव द नेक। क्योंकि जब आप बिलो द नेक करते हो ना, कोई भी चीज़ आप लोग खाओ, अच्छे कपड़े लगाओ, जूता लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो 10 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो 200 गुना की आपको रिटर्न मिलती है। तो आप ही डिसाइड करो कि आप बिलो द नेक इन्वेस्ट करना चाहते हो या अबव द नेक। मैं तो रहूँगा ऑब्वियसली एक समझदार इंसान अबव द नेक वाला चूज करेगा, और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेगा अलग अलग कोर्सेस लेकर, अलग अलग प्रोग्राम्स और इवेंट्स अटेंड करके। सो अगर आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हो, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए। वहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्रॉपर ई बुक क्रिएट किया हुआ है कि कैसे आप अपने माइंड सेट को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जा सकते हो। वहाँ पर आपको मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी ई बुक्स रखी हुई है। जस्ट यू गो एंड साइन अप देयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू बी अ सेमलेस सेल्फ प्रमोटर।